हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आस्था एजुकेशन। आज हम पढ़ते हैं ओलंपियाड प्रेप गाइड साइंस क्लास फोर्थ चैप्टर फर्स्ट। सी प्लांट कैन बी सीन एवरीवेयर, दैट्स व्हाई नेबरहुड, इन स्कूल, ऑन द रिवर साइड, ऑन माउंटेन एटसेट्रा। आपको सभी जगह दिखते हैं ना पेड़, नेबर्स अपने चारों तरफ, इन स्कूल्स में भी, रिवर साइड पर भी, माउंटेन्स पर भी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट हैव रूट्स दैट फिक्स देम इन द सॉइल। प्लांट हैव रूट्स दैट फिक्स इन द सॉइल, दे मोस्टली लाई बिलो द ग्राउंड एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या करते हैं पेड़, एक तो वो अपने रूट्स की रूट्स से हमारी मिट्टी में फिक्स होते हैं, और मोस्टली अंदर तक ग्राउंड में जो मिट्टी होती है ना, वो ग्राउंड में अंदर तक जाते हैं और क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। द स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड एंड हेल्प टू कैरी वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करती है, एक तो ग्रो करने में हेल्प करती है हमारे पेड़ को, और नीचे से जो क्या करती है स्टेम, वाटर, मिनरल्स और फूड पेड़ के ऑल पार्ट्स में सेंड करने का काम करती है। ब्रांचेस वेयर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स हमारे पेड़ में होते हैं। लीव्स हैव द प्लांट्स, लीव्स हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो हो गई फोटोसिंथेसिस। लीव्स क्या काम करती हैं, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं, किसकी हेल्प से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हमारे पेड़ अपना खाना बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मैनी प्लांट्स बेयर फ्लावर्स दैट चेंज इनटू फ्रूट्स, बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स हमारे लिए फ्लावर्स इनटू फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, फ्रूट्स हैव सीड्स, फ्रूट्स जो होते हैं आपने देखा होगा, फ्रूट्स खाते हैं आप, उनके अंदर सीड्स होती हैं। सम फ्रूट्स आर फ्लैसी एंड स्वीट, कई सारे स्वीट बहुत स्वीट होते हैं, फ्लैसी होते हैं। सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, सीड्स गिव रेज द न्यू प्लांट, सीड्स क्या करते हैं न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन, बट सो मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। आपने देखा होगा प्लांट्स कभी इस रूम से उस रूम या इस घर से उस घर तो जाते नहीं हैं, बट आपने उसमें देखा होगा कि कभी हम छोटा सा प्लांट लगाते हैं और कुछ दिनों बाद वो बहुत बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, है ना। प्लांट्स ब्रीथ थॉट्स स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स, क्या करते हैं जो प्लांट कैसे ब्रीथ करता है, स्टोमेटा से, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। प्रेजेंट मोस्टली ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, जो लीव्स होती है लीव्स के नीचे हमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, उनसे वो स्टोमेटा बोलते हैं उनको, उसी से वो ब्रीथ करते हैं। प्लांट इधर ग्रो फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट ग्रो करते हैं सीड्स से और अदर पार्ट्स प्लांट के क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट, प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड स्टोर करते हैं। अ प्लांट प्रिपेयर फूड नॉट ओनली फॉर इट्सेल्फ बट फॉर द होल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, प्लांट ओनली अपने लिए ही अपना फूड नहीं बनाते बट पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए बनाते हैं। ऑल प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर लीव्स टू मेक फूड, सभी प्लांट अपनी लीव्स पर डिपेंड होते हैं फूड बनाने के लिए। सिंस लीफ इज द प्लेस वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड, लीफ ही एक ऐसी, पूरे पेड़ में लीफ ही ऐसी जगह है जहाँ से जो प्लांट है वो अपना फूड बना सकता है। यदि किसी पेड़ में की सारी पत्तियाँ हम तोड़ दें तो वो पेड़ जिंदा नहीं होगा और वो कुछ दिनों में सूख जाएगा। इट इज़ कॉल्ड किचन और फूड ऑफ फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, लीव्स को हम क्या कह सकते हैं, किचन ऑफ द प्लांट या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। पार्ट्स ऑफ लीफ,
द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. आपने देखा ये जो फ्लैट पार्ट है, फ्लैट पार्ट ये आप देख रहे हैं जो फ्लैट पार्ट है लीफ का, उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन. ये जो बीच में मेन लाइन गई है उसको मिड मेन वेन कहते हैं. इसको मिड रिब भी कहते हैं, मिड रिब या मेन वेन. देयर आर नंबर ऑफ साइड वेन्स, कई सारी साइड वेन्स भी गई हुई हैं, इनको बोलते हैं साइड वेन्स. द मेन वेन एंड साइड वेन्स हैव टाइनी ट्यूब्स इनसाइड देम. ये जो मेन वेन और साइड वेन्स होती हैं उनमें छोटी छोटी सी ट्यूब्स अंदर से गई हुई होती हैं. सम हेल्प टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ एंड अदर कैरी फूड प्रिपेयर बाय द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये जो आपकी छोटी छोटी सी वेन्स गई हुई हैं, ये क्या ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर, ये जो हमारा ये फूड बनाती हैं मिनरल्स वाटर को ऑल पार्ट्स में, पेड़ के ऑल पार्ट्स में ले जाने में हेल्प करती हैं ये ट्यूब्स. ओके. द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स. जो लीफ का आउटर ये होता है आउटर पार्ट, उसके इधर पे हम सेंटर में क्या बोलेंगे उसको, सेंटर में बोलते हैं लीफ अपेक्स. लीफ अपेक्स द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय मीन ऑफ द स्टाल्क. ये जो लीफ यहाँ से पेड़ से अटैच है, उसे यहाँ पे इस जगह से अटैच है, उसको स्टाल्क बोलते हैं. मोस्टली द अंडर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स. लीफ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमा इसका सिंगुलर फॉर्म होगा स्टोमा, विच हेल्प टू प्लांट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड फोटोसिंथेसिस. ये स्टोमा क्या, ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं स्टोमा, स्टोमेटा या स्टोमा. ये हमारे किस में हेल्प करते हैं, पेड़ों में ब्रीदिंग करने में और फोटोसिंथेसिस करने में. वी कैन नॉट सी दीज पोर्स विद द नेक्ड आई. इन पोर्स को हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं. रिवर्स साइड ऑफ अ लीफ सोइंग द स्टोमेटा. ये क्या है स्टोमेटा, दिख रहा है हमको. थैंक यू.